हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज वॉल्यूम 2 का लास्ट एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हैंक की भूख खत्म होने के बाद वुल्वरीन कहता है, अच्छा हुआ अब मेरे लिए ज़्यादा खाना बचेगा। तभी हैंक उसे रोककर सोचने को कहता है और वो आगे कहता है, ज़रा सोचो, भूख अब जा चुकी है, हमें अब उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है हम अब ठीक हो चुके हैं। तब पीछे से आयरन मैन कहता है, ये सही कह रहा है। आयरन मैन बताता है कि मेरी भूख जा चुकी है, उन लोगों को छोड़ दो वुल्वरीन। उस पर वुल्वरीन वैसा ही करता है और पूछता है, अब आगे क्या? तब हैंक बताता है, हमें यह सब छोड़कर लोगों की मदद करेंगे, हम फिर से हीरोज बनेंगे। तभी लूक जायंट मैन को एक पंच मारता है। तब जायंट मैन उस पर गुस्सा होने की बजाय लूक से कहता है, तुम समझ नहीं रहे, लड़ना नहीं चाहते, हम सब ठीक हो चुके हैं, जिनेट सही थी, तुम सभी सही थे। तभी मैल्कम कहता है, तुमने इस प्लैनेट की कई जाने ली, यूनिवर्स तबाह किया, तुम्हें लगता है तुम्हें इसकी माफ़ी मिलेगी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तब जायंट मैन समझाता है कि यह सब इतना बुरा था कि हम बता नहीं सकते, हम एक अनस्टॉपेबल फोर्स के वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, हमारी वो बुरी यादें हमारे लिए एक सजा है। तब मैल्कम ना कहकर उसे मारने को पड़ता है। तभी फोर्स उसे समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन मैल्कम उसकी भी नहीं सुनता और कहता है, तुम्हें लगता है लोग इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो तुम पागल हो। तभी हल्क बंकर की दीवार तोड़कर अंदर आता है और सबको मारना शुरू कर देता है। उस पर वुल्वरीन और लूक समझाते हैं कि उसे यह करने की ज़रूरत नहीं। जायंट मैन आगे बताता है कि हम ठीक हो चुके हैं, अगर तुम थोड़ा इंतज़ार करके ये पेन जाने दो तो तुम भी ठीक हो सकते हो। लेकिन हल्क सबको साइड करके कहता है, हल्क वेट नहीं करेगा, हल्क को जो मिलेगा वो हल्क खाएगा। तब मैल्कम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब फिनिक्स कहती है, चिंता मत करो हल्क, ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और हल्क को जलाने लगती है। तब हल्क कहता है, फायर वुमन ने हल्क को जलाया, हल्क फायर वुमन को मारेगा, और वो फिनिक्स को पंच करके उसका सर तोड़ देता है। तभी हॉकाई उसे रोकने की कोशिश करता है। तब हल्क पूछता है, हल्क को खाने से क्यों रोका, और हल्क की रोबोटिक बॉडी से उसका सर तोड़कर नीचे फेंक देता है जिससे हॉकाई का सर फट जाता है। उस पर जायंट मैन कहता है, पीछे मत हटो, उसे जल्दी से रोको वरना हम सब मारे जाएंगे। जायंट मैन आगे बढ़कर हल्क को रोकने की कोशिश करता है। तब हल्क उसे किक करते हुए कहता है, जायंट मैन हल्क से बड़ा है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। तब पैंथर अपनी बची बॉडी से और फॉर्ज उसे मिसबैलेंस करके हल्क को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी लोगों को अटैक करने को कहते हैं। तब हल्क पूछता है, हल्क के दोस्त खाने में उसका साथ देने के बजाय उसे रोक क्यों रहे हैं? तब हल्क गुस्सा होकर कहता है, हल्क को अकेला छोड़ दो, और फायरलॉर्ड को मारता है। आयरन मैन को बचाने के कर्नल को दूर फेंक देता है और साथ ही आयरन मैन को अपने पैरों के नीचे कुचल कर मार देता है। तभी रेनॉल्ड्स हल्क के आगे आकर कहता है, जेनेट जा चुकी है तो मैं भी नहीं जीऊँगा, खाओ मुझे, और हल्क उसे उठाता भी है उसे खाने को। सब उसे मना करते हैं लेकिन हल्क फिर भी रेनॉल्ड्स को खा जाता है और कहता है, हल्क को फनी लग रहा है, और वो बैनर बनकर पूछता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बैनर आगे कहता है, तुम्हें यह करना ही होगा, हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे मारना ही होगा, और सबको ये सही भी लगता है। तब सब बैनर को मार देते हैं और जायंट मैन सबसे कहता है, बहुत समय से हमने कुछ सही नहीं किया, हमने लोगों का जो नुकसान किया है उसे हम सुधारेंगे, हम उन्हें उनकी ज़िंदगी वापस देंगे, और ज़ॉम्बीज फिर से सुपर हीरोज बन जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक करने लगते हैं। जहां फोर्ज को वास्प का सर मिलता है और 3 हफ्ते बाद सारे मरे हुए सुपर हीरोज की कब्र के सामने खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फ्रैंक जेनेट से माफ़ी मांगने जाता है, जहां रेनॉल्ड्स को लेकर जेनेट इमोशनल हो जाती है जिससे हैंक नाराज़ हो जाता है। तब जेनेट कहती है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हारी उस बकवास मीटिंग में ज़रूर आऊँगी, और हैंक उसके पीछे चलने लगता है। तब सारे बच्चे ज़ॉम्बीज सुपर हीरोज टेलीपोर्टर के पास खड़े थे, जहाँ टचाला पूछता है कि फॉर्ज कहाँ है। तब मैल्कम जेंट मैन से मशीन स्टार्ट करने को कहता है। तब हैंक उसे शुक्रिया कहकर बताता है, पिछले कुछ हफ्तों में हमने रीड का पोर्टल ठीक किया जिससे हम हमारे लायक किसी डायमेंशन में जा सकेंगे। जेंट मैन आगे बताता है, फॉर्ज और मैल्कम की मदद से हमने इसे ठीक किया, जो आसान और हैरान करने वाला है,
उस पर मैलकम कहता है, यह आसान हुआ क्योंकि पहले से ही यह ठीक था। फॉर्ज इसलिए इसे शुरू नहीं कर पाया क्योंकि सालों पहले मैंने इसके कुछ की कंपोनेंट्स निकाल दिए थे, क्योंकि मैं यही रहना चाहता था, सिविलाइजेशन में नहीं, जब तक कि तुम लोग नहीं आ गए। लेकिन अब हम ये सब ठीक करेंगे। और हाँ पैंथर, मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा था और तुम्हें मारने की कोशिश भी की, और साथ ही साथ तुम्हारे पोते को भी मार दूंगा। तब पैंथर गुस्सा होकर कहता है, ये सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? और तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तभी मैलकम बाहर जाते हुए कहता है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ। और उसी वक्त टेलीपोर्टर ऑन होके सारे जॉम्बीज टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब मैलकम कहता है, आखिरकार चले गए। तब फॉर्ज आकर पूछता है, तुमने उन्हें कहाँ भेजा और ऐसा क्यों किया? तब मैलकम कहता है, ये एक इत्तेफाक था और ये होगा, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? तब फॉर्ज बताता है, नहीं, वो हमारे दोस्त है, वो हमारी मदद करना चाहते थे, हमें उन्हें वापस लाना होगा। उस पर मैलकम गुस्से में फॉर्ज को मारकर कहता है, वो अच्छे के लिए गए हैं और अब वो किसी और की मुसीबत है, तो अब आगे क्या होगा? मैलकम कामयाब होगा या फिर फॉर्ज सुपर हीरोज को वापस ले आएगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।